फसल बीमा कंपनी के अराजक व्यवहार से ग्रसित नरखेड़ एवं काटोल तहसील के किसानों ने 10 दिनों पूर्व ही जिला कृषि उप विभागीय अधिकारी कार्यालय में निवेदन दिया था, किंतु उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज जवाब दो यात्रा किसान संगठन के सहयोग से एवं संयोजक संजय दुधान के नेतृत्व में काटोल उप विभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय बड़ी मात्रा में नरखेड़ और काटोल के किसान काटोल उप विभागीय कार्यालय में धरती पर बैठे थे। दरअसल इन किसानों ने 10 दिनों पूर्व ही कृषि उप विभागीय कार्यालय में निवेदन के माध्यम से अनुरोध किया था कि बीमा कंपनी और किसानों के बीच समन्वय बैठक कराई जाए, ताकि किसानों के बीमा के संबंध में समस्या का निराकरण हो, लेकिन उस पर कोई भी गंभीर एवं ठोस कदम उठाया नहीं गया, जिसके कारण आज जवाब दो यात्रा किसान संगठन के सहयोग से एवं संयोजक संजय दुधान के नेतृत्व में काटोल उप विभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए संयोजक संजय दुधान ने बताया कि 10 दिन पहले अनुरोध करने पर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है और हमने सुना है कि अधिकारी बिना शराब मटन और पैसों के भोग के अलावा मानते नहीं है और साथ ही क्रय भी नहीं करते हैं, जिसके चलते हम सब चीजें लेकर आए हैं और मटन खाओ शराब पियो पैसे लो किंतु काम करो इस आशय के नीचे धरना करे हैं, लेकिन यहाँ से अधिकारी ही गायब है। 3 जुलाई को बैठक का आयोजन क्या क्या है जा देखते हैं कि किसानों के प्रश्नों पर क्या निर्णय लिया जाता है। इस समय विधायक अनिल देशमुख के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि काटोल के विधायक निहायत निष्क्रिय है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है, इस पर अब जनता ने विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। गौरतलब है कि सोयाबीन किसानों में कुछ किसानों को प्रथम चरण का मुआवजा नहीं मिला है, कुछ किसानों को शिकार के बावजूद दूसरा चरण नहीं मिला है और जिनको मिला भी है उन्हें बहुत कम राशि मिली है। कपास किसानों को उचित रकम नहीं मिली है। शिकार के बावजूद कुछ लोगों के खेत का सर्वे नहीं कराया गया है। कई किसानों की शिकायत पर 72 घंटे तक कॉल कंपनी ने रिसीव नहीं की और उसके बाद नियम बताकर शिकायत दर्ज नहीं की आदि शिकायतों पर यह आंदोलन किया गया था। काटोल आणि नरखेड तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना मिळून आम्ही आज कृषी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात दारू प्या चिकन खा पैसे घ्या पण शेतकऱ्यांना न्याय द्या अशा आशयाचं एक आंदोलन केलं। हे आंदोलन मुख्यतः ज्यांना पीक विमा मिळाला नाही आणि ज्यांनी पीक विम्यासंबंधी तक्रारी करूनही त्याची पुढे काही प्रोसेस झाली नाही या संबंधीचं होतं। हे आंदोलन करण्यामागे उद्देश असा होता की इथून 10 दिवस आधी आम्ही कृषी विभागीय उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं की शेतकरी आणि पीक विमा कंपनीमध्ये समन्वय घडवून आणा आणि त्यांच्या तक्रारी निकाली लावा, परंतु उपविभागीय कृषी अधिकारी पैसे आणि दारू मिळाल्याशिवाय काहीच करत नाही, त्यांच्या टेबलावरचा कागदही हलत नाही अशा प्रकारची सगळीकडे चर्चा आहे। त्यामुळे आज आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्यांना दारू चिकन आणि पैसे या सर्व गोष्टी घेऊन आम्ही तिथे गेलो, त्यांना देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते सकाळपासूनच ऑफिसमधून गायब होते आणि दिवसभर सगळे शेतकरी ठिय्या मांडून होते। आता निकाली 3 तारखेला पुन्हा सगळी एकदा बैठक लागणार आहे आणि या सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहे। हे शेतकऱ्यांना करण्याची गरज यासाठी पडली कारण इथले आमदार 100% निष्क्रिय आहे, त्यांच्या कोणत्याही शब्दाला इथे किंमत नाही, कोणताही अधिकारी त्यांना किंमत देत नाही, त्याच्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना ही वेळ आलेली आहे आणि ही वेळ येऊ नये त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कुठेतरी विचार करण्याची गरज आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।